तो देखिए गाइस, यही है प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ पर आपको गणपति जी का मंदिर भी मिल जाएगा और यही है शिव मंदिर, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हम भी और कनॉट प्लेस को ही सीपी बोलते हैं, जिनका ऑफिशियल नाम राजीव चौक है, और यहीं पर आपको ये प्राचीन हनुमान मंदिर मिल जाएगा। तो आप जब भी आएंगे तो प्लीज़ आप प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। एंड बजरंगबली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आ गए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के पास। तो आप जब हनुमान मंदिर के पास आइएगा तो साइड में आपको एक प्राचीन शिव मंदिर भी दिख जाएगा। तो प्लीज़ आप जब भी हनुमान मंदिर के दर्शन करने आइएगा तो शिव मंदिर का भी दर्शन कर लीजिएगा, शिव भगवान का भी दर्शन कर लीजिएगा, दोनों ही प्राचीन मंदिर है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंदिर के सामने और दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, यही है प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ पर आपको गणपति जी का मंदिर भी मिल जाएगा और यही है शिव मंदिर, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हम भी जाएंगे दर्शन करने। और इसके आगे जस्ट ये प्राचीन हनुमान मंदिर, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हम शिव जी का दर्शन कर लिए, हम चलते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के साइड और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और यही है प्राचीन हनुमान मंदिर जो आपको सामने में दिख रहा है। यहाँ पर आप आगे टाइम भी थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा जगह है ये। आपको दिल्ली के सीपी में मिल जाएगा, कनॉट प्लेस के साथ ही। और मैंने अभी जो जंतर मंतर आपको दिखाया पिछले ब्लॉग में, वो भी सीपी में ही है। सेंट्रल पार्क भी सीपी में ही है और कनॉट प्लेस को ही सीपी बोलते हैं, जिनका ऑफिशियल नाम राजीव चौक है। और यहीं पर आपको ये प्राचीन हनुमान मंदिर मिल जाएगा। तो आप जब भी आएंगे तो प्लीज़ आप प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइएगा। एंड बजरंगबली बाबा का आशीर्वाद लेके ज़रूर जाइएगा घर। तो आप देख लीजिए एक व्यू 360। यहाँ पे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा आके। तो गाइस, ये दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध बाल हनुमान मंदिर है। पांचों पांडवों ने कुरुक्षेत्र जीतने के बाद इस मंदिर का स्थापना किया था एंड पांचों पांडवों द्वारा जो पांच मंदिरों का स्थापना किया गया था उसमें से एक मंदिर ये है जो प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसी मंदिर में 1 अगस्त 1964 से लगातार 24 आवर्स श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र का जाप हो रहा है और इसी जाप के वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इस मंदिर का दर्ज हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जब दिल्ली आए थे तो इसी मंदिर का दर्शन करने को आए थे और इसी मंदिर में 40 चौपाइयों का हनुमान चालीसा लिखे थे। और ये देखिए, यहाँ पे सूज रखने के लिए है, तो आप यहाँ पे सूज जमा कर सकते हैं फ्री में एंड फिर आप जाके बजरंगबली बाबा का दर्शन आप कर लीजिएगा। एंड ये देखिए बाहर का व्यू कैसा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन करके कैसा लगा। एंड आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आगे से जितना भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। एंड कमेंट बॉक्स में आप जय बजरंगी जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान आप ज़रूर लिखिएगा और प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली जी जय। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।